सो आज बताऊंगा न्यू BSS मॉडल हुंडई क्रेटा SSIVT पेट्रोल में है। CAC सीरीज और RTO सब मिलाकर दिल्ली जो शोरूम है 17,28,925 रुपये है। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाई बटन जरूर दबाएं। बेल बटन से जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी। और दोस्तों मेरी जो वेबसाइट है मैं जिसमें ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पर देखकर अपनी राय सुझाव जरूर दें जिससे मैं आगे चल के जो भी बनाऊं उसमें सुधार करता चलूं। आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिलता रहता है इस चैनल में, उसमें भी दें। और मेरा एक और ब्लॉगिंग चैनल है OP ब्लॉग देसी, उसको भी सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं कहीं जाता हूं और जो भी ब्लॉग करता हूं उसमें हमेशा मैं वीडियो डालता रहता हूं, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर ज़्यादा शेयर करें उसको। दोस्तों ये इंजन टाइप 1.5 पेट्रोल इंजन मिल जाता है, 1497 CC की है, फैन चार्जिंग नहीं पाता ये जो। और सिलेंडर की संख्या 4 मिल जाती है, वाल प्रति सिलेंडर 4 मिल जाती है। और अधिकतम पावर 113.42 BHP और 6300 RPM है। अधिकतम ताक 144.15 और 4500 RPM है। और फ्यूल सप्लाई सिस्टम MPI मिल जाता है। और ट्रांसमिशन का प्रकार ऑटोमीटर मिल जाता है, गियर बॉक्स 6 मिल जाते हैं, ड्राइवर टाइप FWD मिल जाता है और फ्यूल टाइप पेट्रोल मिल जाता है। माइलेज 16.9 किलोमीटर प्रति लीटर है। फ्यूल टैंक क्षमता इसमें 50 लीटर आप फ्यूल भर सकते हैं। और सामने की बात करें तो हुंडई का लोगो मिल जाता है, दो वाइपर मिल जाते हैं, DRL हेडलैम्प मिल जाता है जो बगल में लाइट जलती रहती है LED में, और फॉग लैम्प मिल जाता है। और ग्रिल काफ़ी अच्छी दी गई है, इसकी लंबाई 43 mm है, चौड़ाई 1790 mm है और चौड़ाई 1635 mm है। बूट स्पेस इसमें 433 लीटर दिया गया है। इसमें बैठने की क्षमता 5 लोगों की मिल जाती है। व्हील वेट 2610 mm है। दौर की संख्या 5 मिल जाती है। पावर स्टेयरिंग मिल जाती है, पावर विंडो फ्रंट मिल जाता है, पावर बूथ मिल जाता है, एयर कंडीशन मिल जाता है, हीटर मिल जाता है, इसमें सनरूफ मिल जाता है, मून रूफ भी मिल जाता है। और पीछे साइड बात है तो रियर कैमरा मिल जाता है, सेंसर मिल जाता है, हुंडई का लोगो मिल जाता है और SSVIT बैजिंग मिल जाती है, हुंडई की बैजिंग मिल जाती है। और सामने डैशबोर्ड में बात करें तो ड्राइवर सीट के पास 4 स्विच मिल जाते हैं ग्लास अप डाउन करने के लिए, और USB चार्जर मिल जाता है और 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। और AC सिस्टम काफ़ी अच्छा दिया गया है, म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। उसके गियर बॉक्स के पास 2 बॉटल होल्डर मिल जाते हैं और वाइपर के लिए मिल जाता है और हेडलैम्प के लिए स्विच मिल जाता है, वॉइस कमांड मिल जाता है, ब्लूटूथ सिस्टम मिल जाता है और USB आगे पीछे दोनों मिल जाती है। और पीछे साइड बात करें तो सीट के बीचे भी 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और सीट में लेदर काफ़ी अच्छी दी गई है और दोनों डोर में लॉक मिल जाता है और ग्लास अप डाउन करने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे 2 बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, पावर इंटीना नहीं पाता, रंगीन ग्लास भी नहीं मिल पाता, क्रोम मिल जाता है, रूफ रेल मिल जाता है इसमें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।